श्रोमणी अकाली दल वालों लोकसभा चोणां लई संगरूर तो परविंदर सिंह ढींडसा नूं चोण मैदान च उतार दिता गया है, जिसके चलते हुण संगरूर च मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। परविंदर ढींडसा के ऐलान तो बाद हुण सियासी गलियारियां च यह चर्चा छिड़ चुकी है कि पिता के इनकार तो बाद बेटे ने पिता नूं दरकिनार करके पार्टी नूं हां कर दिती है। चलते पीडीए गठजोड़ वालों संगरूर तो चोण मैदान च उतरे जस्सी जसराज ने ढींडसा उत्ते निशाना साधते हुए कहा कि जो इंसान अपने पिता नूं दरकिनार कर पार्टी प्रधान सुखबीर बादल नूं खुश करने लई मजबूर होके अधूरे मन तो चोण मैदान च उतर सकता है, वह संगरूर का की भला करेगा। इस मौके जस्सी ने बादल परिवार ते ढींडसा परिवार नूं जम जम के कोसिया। साडे लई कोई चुनौती नहीं है जी, लोगों ने अकाली दल का जुल्म सहा आ, संगरूर वालों नूं पता भी गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी तो हुण होई है, बाकी जिहड़ी उन्होंने पहलां करतूतां कीतियां ने बादल दे अकाली दल ने, जिन्होंने श्री गुरु ग्रंथ साहब नूं बख्शिया, जिन्हां ने साडे गुरु घर नहीं बख्शे, गुरु दीआं गोलकां नहीं बख्शियां, गुरु की संगत नहीं बख्शी, अज परमिंदर सिंह ढींडसा अपने पिता तो बाहर होकर, सरदार सुखदेव सिंह ढींडसा तो बाहर होकर इलैक्शन लड़न आ रहे हैं, सुखबीर बादल की साख बचाउण, उहदी प्रधानगी बचाउण। इन्हां नूं श्री गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी आ, श्री गुरु ग्रंथ साहब दे बच्चों जिहड़ी निहत्थे बच्चों नूं गोली मारी गई सी उहदा कोई फिक्र नहीं। परमिंदर ढींडसा सिर्फ और सिर्फ मजबूरी च लड़ रहे ने, जिहड़ा बंदा खुद ही मजबूर है वह संगरूर का की भला करेगा। नहीं देखो, लोग अकाली ते कांग्रेस दोनों तो पीड़ित ने, कैप्टन अमरिंदर सिंह गुटका साहब की सहुं खा के मुकरद है, ये गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी करा के दोषियों नूं बचाउंदे रहे अपने राज, अज तक कोई जांच सिरे नहीं चढ़ी। कैप्टन अमरिंदर सिंह जाके पटियाले तो लंबी चोण लड़ के बादलों जिता रहा है, तो उन्होंने ही बादलों अपने जोड़े सुखबीर बादल होरी तो प्रकाश सिंह बादल होरी ने उन्होंने बचाने लिए अज परमिंदर ढींडसा इतने चोण लड़न आ रहा है। मेरे हिसाब न भी परमिंदर ढींडसा सोच के आना चाहिए भी हूँ लोग है जोड़े संगरूर के जाग चुके हैं और वह सच के बूटे फल तो फुल ला चाहते हैं। चकदे टीवी नाल जुड़े रहने लई साडा चैनल सबसक्राइब करो, वीडियो सब तो पहला देखने लई बैल आइकन ते क्लिक करना ना भुल्यो।